शिव कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आपने शिक्षा मित्रों और अंदेशकों का के साथ जो अन्याय हो रहा है उसे एक बड़ा मुद्दा बना के रखा है। आज की डिबेट में जो तो हमेशा भाई विक्रम जी बताते हैं, लेकिन आज उन्होंने बड़े खुले शब्दों में सरकार की क्रिया प्रणाली के बारे में बताया, बिना लाग लपेट के बताया। इसके बाद भाई सुरेंद्र दुबे जी ने अपने अनुभव के अनुसार जो कहा वो फोला आने सच है, बिल्कुल उनका आकलन एकदम बिल्कुल नपा तुला है। और सरकार जो है तात्कालिक वाहवाही लूटने के प्रयासों में रहती है। और ये जो अन्याय कोर्ट में हो रहा है, क्योंकि मैंने देखा कि कोर्ट की लड़ाई कम से कम 20 ऐसे प्रकरण हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं लेकिन लंबे समय से पड़े हुए हैं, नंबर ही नहीं लगता, सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, तो कब ठंडे बस्ते में चले जाए इसे कहा नहीं जा सकता। तो कोर्ट को लेके मैं, जैसे आपने सरकार के रवैया को बताया तो कोर्ट का रवैया मुझे, मैंने भी देखा हुआ है। आप लोगों को अपनी सक्रियता बढ़ानी पड़ेगी और कोर्ट में भी आपको इस लड़ाई को और सबल तरीके से लाना पड़ेगा, पहली चीज। अब कानून का जो, देखो आप लोगों का जो पक्षपात हो रहा है ना, ये सबसे बड़ी अदालत इस देश में होती है, जनता की अदालत। क्योंकि नियम कानून जो है संसद और विधानसभा में पारित होते हैं, संसद और विधानसभा को, विधायक और सांसद को जो पावर मिलता है, शक्ति मिलती है, जो संप्रभुता की ताकत है, समझ गए, वो मिलती है जनता से। और जिस तरह से आप लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, तो ये पहली बात तो आप इस लड़ाई को पूरे एकजुट होके, जैसे हम लोगों ने लड़ा, आपने सुकुमार जी, आपने बहुत करीब से देखा, दुबे जी ने भी देखा है, पूरी लड़ाई को देखा। हम भले कितने भी मतभेद थे लेकिन हम सरकार के सामने सब एकजुट खड़े थे, करीब 150-200 संगठन थे, सब एकजुट खड़े थे और तब जीते। साल भर तक आपको पता ही है कि कैसे बदनाम किया उन लोगों ने, आप लोगों को तो कम से कम प्रताड़ित नहीं कर रही सरकार। तो इसके पीछे भी कारण यह है कि सरकार और उसके नुमाइंदे जरूर जानते हैं, जैसे विक्रम जी बताया, कि वो रॉन्ग ट्रैक पे है, गलती कर रहे हैं, एक कुशल मजदूर के बराबर भी भुगतान नहीं कर रहे हैं। यह मुद्दा आज नहीं तो कल इनके गले में फांस बनेगा, इसे खड़ा करना होगा। और यदि मेरी बात को आप लोग अतिशयोक्ति न समझो, मेरे अनुभव को समझो, तो मैं कहूंगा 17,000 को धूल में डालो, आप फुल पे, समान कार्य समान वेतन के आधार पे, एग्री अग्रीमेंट जो होता है 3 महीना 4 महीना 6 महीने में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, 20-20 साल आप नौकरी किए हुए हो, समझ गए, आपको मजाल है कि कोई सरकार फुल पेमेंट ना दे। मैं सच कह रहा हूं, आप यकीन मानिए, मैंने केस लड़े, ग्रामीण बैंक ऑफिसर के एसोसिएशन केस लड़ा, बहुत सारे देखा, वो सब देख के मैं बोल रहा हूं, आपको देना ही पड़ेगा सरकार। आपको इस पे भरोसा होना चाहिए, सुकुमार भाई आप सबको भरोसा होना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि यहाँ तो 17,000 के लाले पड़े हैं और त्रिपाठी जी बोले हैं ये पूरा जो अन्य शिक्षकों को मिल रहा है वो हमें दिया जा सकता है, मिल सकता है। पहले आप भरोसा करो, आपका हक है ये। मैं अभी बताया, आप अच्छे पढ़े लिखे लोग हो, मेरिट हो, अनुभव आपके पास है, मेरिट आपके पास है, दोनों चीज आपके साथ है, सीनियरिटी आपके साथ है। शिवकुमार जी इतना दिनों दिखा रहे हैं कि कैसे इतना बेहतरीन स्कूल आप लोग चला रहे हो, वो सारा रिकॉर्ड आपके पास है, इतने सारे यूट्यूब लिंक आपके पास है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को आपका हक ज्यादा दिनों तक कोई रोक सकता है। सत्य बोलते हैं ना कि परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता।